नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सियासी संकट एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया समाजवादी पार्टी ने, वहीं जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में देखा जाए तो वह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन इस बीच कई बड़े झटके मिल रहे हैं। अखिलेश यादव को लंबे वक्त से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद सुभाषपा के प्रमुख यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए दिन अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव के लिए। उन्होंने अखिलेश यादव को कई बार सलाह दी कि कैसे चुनाव का प्रचार किया जाए, लेकिन अखिलेश और ओपी राजभर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। और फिर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद ओपी राजभर की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। जहां एक तरफ उनसे नाराज रहे उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और कयास लगाना शुरू हो गया कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जो गठबंधन दांव पर लग गया लोकसभा उपचुनाव के बाद, ओपी राजभर ने यहां पर तलाक की बात कह दी कि वह तलाक चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव कह देते हैं तो यह गठबंधन टूट जाएगा और हमारे पास और भी रास्ते हैं, या तो वह कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे, या फिर शिवपाल यादव या मायावती की पार्टी की तरफ, या फिर बीजेपी में भी उनका स्वागत हो सकता है, बीजेपी से भी वह जुड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब ओपी राजभर ने ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव के साथ उनका तलाक हो चुका है, यह गठबंधन टूट चुका है और इस तलाक का वह स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने, जरा देखिए ये रिपोर्ट। जो बहुत बोल रहा हुआ कि टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज की हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। राजभर हिस्सेदारी की बात करता है, ये बुरा बात है। पहले चरण के 58 सीटों में मैंने कहा कि बताओ कश्यप को कितना सीट दिया, कहा दूसरे चरण में देंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा। पाल प्रजापति को क्यों नहीं, साके सैनी माली को क्यों नहीं, अर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार को क्यों नहीं? उस इलाके में ये जातियां रहती हैं, आप उनको टिकट नहीं दोगे, वोट चाहिए आपको। इस बात को उनको बुरा लगा विधानसभा में ही। दूसरे चरण में 55 सीटों मैंने कहा, पूछा कि अब क्या तीसरे में देंगे, हमके फिर दोनों में वोट क्यों मिलेगा? ये बात उनको बुरी लगी कि ये अति पिछड़ों के हिस्सेदारी क्यों मांग रहा है, ये बात क्यों बोल रहा है। हम उनके सुर में सुर मिलाने गए थे? हम हमेशा अति पिछड़ों की बात करते हैं, उनके हक के लड़ते हैं। मैं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव फिर कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा कि देखिए वहां का सिचुएशन, आपने गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट देने की बात किया, नहीं दिया, और फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया, तो 50-60 हज़ार वोट माइनस करेगा वो। उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो, चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण, कोई लड़ा दो जो कम से कम 50 हज़ार वोट की भरपाई करे। ये बात उनको नागवार लगी, तो नागवार लगी तो भाई तो दे दिए चिट्ठी, तो अब तो हम तो उनका तलाक आ गया। सर, अब आप क्या करें, हम तो कबूल कर लिए। ओपी राजभर जी तो अब बताएंगे आपको क्या करने वाले हैं। सर, अब्बास अंसारी आपके विधायक हैं, क्या आप अब्बास अंसारी के साथ में हैं? हमारी पार्टी के नेता हैं, आपको क्या लगता है इस्तीफा दे दिए? कहीं देखा आपने उनका इस्तीफा? जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अंसारी पे, और अब्बास अंसारी खुद कहते थे कि हमारे खिलाफ भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है, जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है, क्या अब कुछ अब्बास अंसारी ये बात अब्बास अंसारी से पूछ सवाल बता दिया कि बीजेपी से चूंकि नई नई दोस्ती हुई है, फोन उन आ गया कोई कि चल रहे साथ में? अरे समन्वय ने फोन है हमारे, पढ़ लीजिए नंबर। गाड़ी में फोन पे बात तो हो गई होगी? नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, कम से कम हमको अंदाजा कि 12 बजे से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में मालूम है सबको कि पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में राजनीति में क्या घटने वाला है, उनको एहसास होने लगता है। देखिए, देश प्रदेश का चुनाव था, राजभर के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी, राष्ट्रपति का चुनाव आया तो ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द चर्चा शुरू हो गई है। अब 24 का चुनाव आया है, फिर शुरू हो गया ऐसे। लेकिन आप नाम नहीं बता रहे, कितने विधायक आपके संपर्क में हैं सपा वाले? नहीं, अब नहीं बता। देखिए, हम उस समय बताते हैं जब ओपन होता है। विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि 1.5 दर्जन लोग आ रहे हैं, जब शुरू कर दिए आने लगे तब आप लोगों को लगा कि नहीं, नेता सही बोल रहे हैं।
अभी अभी कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। बसपा के नेता थे उस समय विचारधारा मिली नहीं, एक जिले का नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ था उस समय, तो अब विचारधारा मिल जाएगी आपकी बसपा से? क्या सरकार नहीं है, परिस्थितियां बदली न? देखिए दौर बीजेपी और पीडीएफ महबूबा मुफ्ती 36 का आंकड़ा, लेकिन गठबंधन करके सरकार बनी ना। 93 की घटना को लेकर के कोई नहीं मानता था कि बसपा और सपा एक होंगे, वो 19 में एक हुए। ऐसे उदाहरण हैं, नीतीश जी और लालू जी को ले लीजिए, मानने को तैयार नहीं। नीतीश जी ने यहां तक कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज भाजपा गठबंधन से सरकार में। भाजपा की बी टीम आप बसपा को कहा करते थे, अब तो बसपा साथ जा रहे, तो माने के राजभर जी जो है, सुभाषपा जो है, वो भी भाजपा की बी टीम। भैया मेरे देखिए, जो टीम जीतती है वो ए टीम, जो हारती है वो बी टीम हो गई ना। सपा भी बी टीम है, बसपा भी बी टीम है, राजभर भी बी टीम, सब बी टीम वाले हैं। ये जब जीतेंगे तब ना ये टीम होंगे। देखिए जब तक प्रेस वार्ता हम न करें तब तक आप लोग धैर्य से अपना अपना दिल पकड़ के रहिए। नहीं, कोई बात नहीं हुई। राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कोई बात नहीं। अच्छा विधायकों के नाम तो बता दीजिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग। भाई मैंने उसी दिन बताया ना कि मैं नहीं बताऊंगा आपको, आज भी कह रहा हूँ नहीं बताऊंगा आपको, उस दिन बताऊंगा जब आपके टीवी पर ले आऊंगा, ऐसे ही बैठा के कुर्सी पर। सबको टिकट भी दे देंगे, हम टिकट बांटने वाले कौन है? जब टाइम नहीं, किधर जाएंगे सर? थोड़ा धैर्य रखिए, दिल पर हाथ रख के बर्दाश्त करिए। देखिए नहीं, देखिए जब आसमान की तरफ देखेंगे तो नीला दिखता है, जब बसंत ऋतु आती है तो पूरा धरती पीला हो जाती है। कोई नहीं है यार, आप भी मतलब देखिए, आपको मैं जब तक फिगर सामने न दिखा दूं तब तक मैं किसी का नाम उजागर नहीं करता, ठीक है ना। एक सवाल ये है कि आपके पार्टी में समाजवादी पार्टी से आए लोग थे जिनको टिकट दिया गया था, विधायक है, हम जौनपुर की बात कर ले, तो वो लोग आपके साथ रहेंगे या वो भी चले जाएंगे? देखिए वो हमारी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते हैं, और जब पार्टी सिंबल से कोई भी व्यक्ति जीतता है तो वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकता। शिवपाल जी के साथ तो यही हुआ ना कि वो पार्टी नहीं, इन्होंने निकाल दिया ना, चिट्ठी लिख दिया ना, ये हो गया ना, आप जा सकते हैं, मतलब छुट्टी हो गई। सर शिवपाल जी के लिए भी पत्र लिखा गया है, अब क्या आप लोगों के आगे शिवपाल जी से कोई आपकी बातचीत हुई आगे क्या? यार शिवपाल जी हमारे नेता हैं, उनके साथ रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, क्या दिक्कत है? किससे बात नहीं है, कौन कौन जा रहा है बसपा के साथ आपके साथ? अब फिर कह रहा हूँ कि फिर आप लोगों को पशुपति बुलाऊंगा, वहीं प्रेस वार्ता करूंगा। बीजेपी पर दबाव बनाएंगे जातिगत जनगणना? नहीं यार, कहीं कुछ नहीं, उसको खुलासा कर दीजिए आज, उसको इशारा कर दीजिए, अब बाद में मिलिएगा तब बताएंगे। चलिए।